नमस्कार एंड हार्टली वेलकम टू योर ओन प्रोग्राम दिशाएं। दोस्तों, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनका कहना था कि ईच ऑफ अस हैज गॉट द डिवाइन फायर इन अस, द ओनली थिंग इज टू गिव द विंग्स टू दैट फायर। अर्थात हम में से सभी के पास दिव्य ज्योति है, आवश्यकता केवल उस दिव्य ज्योति को पंख देने की है। आप में भी बहुत सी प्रतिभाएं होंगी, आप में बहुत सारी क्वालिटीज होंगी, आप में बहुत सारी स्ट्रेंथ्स होंगी। उन स्ट्रेंथ्स को पहचानिए और आगे बढ़िए। अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानते हुए ये देखिए कि क्या आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ जा सकते हैं या नहीं। जी हाँ, आपने ठीक समझा, आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारी जो राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवाएं हैं उनकी हम तैयारी कैसे करें और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्वेरीज हो सकती हैं, ये आज सब हम यहाँ पर देखेंगे। और हमारे साथ हमारे यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मिस्टर दिलीप माहेचा, और दूसरे एक्सपर्ट के रूप में हैं श्री उपेंद्र शर्मा जी, जो 2016 आरएएस बैच के फिफ्थ रैंक होल्डर हैं। शर्मा जी और उपेंद्र जी, आप दोनों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ ही हमारे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं जो कि आरएएस एस्पायरेंट्स हैं, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ प्रीलिम्स दे चुके हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ मेंस के बाद फिर अपने इंटरव्यूज़ की भी तैयारी करेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए आज हम अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से ये जानते हैं कि आरएएस के लिए, आरएएस बनने के लिए हमें कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, किस किस चीज़ के लिए हमें स्ट्रेस देना चाहिए और कहाँ कहाँ हमें चिंतन करना चाहिए। दिलीप जी, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूँगा, आप इतना टाइम हो गया आरएएस की, वहाँ पर बच्चों को आप कोच करते हैं, इसमें आरएएस के लिए जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो होती हैं उसमें क्वालिटीज़ जो होती है एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, वो क्या क्या ज़रूरी है? सामान्यतया इसमें ये ऐसी धारणाएं पहले चला करती थी कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर जो है वही लोग बन सकते हैं जिनकी एकेडमिक जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा हो, जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, और वो लोग ही कर सकते हैं, पहले ऐसा माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो विद्यार्थी है, साधारण परिवारों से निकल के जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं, और अब वो सारे मिथक और धारणाएं लगभग खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है, और सामान्य स्टूडेंट, एक सामान्य विद्यार्थी भी आरएएस की तैयारी कर सकता है। आरएएस की तैयारी करने के लिए कुछ बेसिक्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि आपका सामान्य एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, आपकी पृष्ठभूमि ज़्यादा अच्छी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इतना खर्चीला आप दूसरे को। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपसे पूछने एक क्वेश्चन पुटअप करना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि आरएएस में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसमें कोई बहुत अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्या ग्रेजुएशन जो इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें कोई ये निर्धारित किया हुआ है कि 55 या 50 से कम परसेंटेज वाले इसमें अपीयर नहीं हो सकते? नहीं, बाकी सारे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे आपके ग्रेजुएशन में कितने मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए, लेकिन आरएएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको किसी पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, आपको स्पेसिफिक डिप्लोमा या ऐसे किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, एक सामान्य स्नातक जो विद्यार्थी है वो इसकी तैयारी कर सकता है। कौन कौन सी क्वालिटीज आप देखते हैं स्टूडेंट में होनी चाहिए जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी में आप देखना चाहेंगे? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी संवेदनशील होना चाहिए, समाज की जो स्थितियां हैं, समाज में जो गठित हो रहा है डे टू डे लाइफ में, तो उनके प्रति आप संवेदनशील हो या नहीं, क्योंकि प्रशासनिक सेवाएं दूसरे कार्यों से अलग है। आप जैसे किसी प्राइवेट जॉब का लें, एग्जांपल लें अपन, तो प्राइवेट जॉब में व्यक्ति जब काम करता है तो उसे लगता है कि वो कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए उसका मेन मकसद जो है वो होता है। लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी जब बनता है तो आप सरकार की सेवा कर रहे हो, और सरकार का उद्देश्य सरकार को प्रॉफिट पहुंचाना नहीं है, यहाँ आपका उद्देश्य होता है कि आप जनता को जो है इस चीज़ का लाभ पहुंचाएं, तो वो एक फीलिंग अलग ही होती है। तो समाज के साथ आपका जुड़ाव है या नहीं है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोग जो है प्रशासनिक सेवाएं पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको बिजनेस करना चाहिए, और अगर आपको कि भाई आपको समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो आप सिस्टम का हिस्सा बन के बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि उस जो भी विद्यार्थी
प्रिपरेशन करें इसकी, तो वो ये देखें कि वो समाज के प्रति संवेदनशील है या नहीं है। और उसके बाद दूसरी चीज़ें तो सामान्य जैसे कि मैंने बताया कि एकेडमिक रिकॉर्ड सामान्य होना चाहिए। हाँ, इसमें थोड़ा समय लगता है, मिनिमम 2 साल इस प्रिपरेशन में लगते ही हैं, कई दफ़ा 2 की जगह 3 या 4 साल भी लग सकते हैं। तो विद्यार्थी के अंदर वो पेशेंस, धैर्य है या नहीं है, आप ऐसा तो नहीं है कि आप फ्रिकल माइंडेड हो, आप अभी कुछ सोच रहे हो फिर कुछ सोच रहे हो, तो ये दूसरी चीज़। और पेशेंस के साथ एक चीज़ आत्मविश्वास, आपको ये हमेशा लगना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इन बिटवीन रास्ते में उबड़ खाबड़ जो होते हैं कई बार आपको कई दिक्कतें भी आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो आत्मविश्वास अगर आपके पास है तो ये कुछ बेसिक चीज़ें। फ्रेंड्स, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, ये आत्मविश्वास अगर आप में है तो आप प्रशासनिक सेवाओं की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। उपेंद्र जी, आप 5th पोजीशन होल्डर हैं 2016 बैच के, आपने कब से इसके लिए सोचा था कि मैं प्रशासनिक सेवाओं में जाऊं? 2015 के जुलाई अगस्त में जो है मैंने सोचा था, एक फ्रेंड ने कहा कि ऑलरेडी सर्विस में था मैं, तो उसने कहा कि नथिंग टू लूज, आप तैयारी शुरू कीजिए जी। और अक्टूबर 2015 में मैंने तैयारी शुरू की थी, अगस्त 16 में प्रीलिम्स दिया, मार्च 17 में मेंस दिया, सितंबर 17 में इंटरव्यू, और अक्टूबर 17 में फाइनल रिजल्ट आ गया था इसका जी। आप अंदर अपने कौन सी ऐसी खूबी देखते हैं जिससे कि आप अपने आप को सोच सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है उसमें आप सक्सेस लेंगे? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि समाज के व्यक्ति की जो व्यथाएँ हैं, जो समस्याएँ हैं, उन्हें मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से हूँ, गाँव का रहने वाला व्यक्ति हूँ, तो वहाँ के लोगों की जो मुख्य समस्याएं हैं उन्हें समझकर जो भी सरकार की योजनाएं होंगी उनका प्रभावी क्रियान्वयन जो है उसका एक मैं हिस्सा बन सकूंगा। दिलीप जी, फिर हम वापस आपकी तरफ मुखातिब होंगे और आपसे पूछना चाहेंगे कि एलिजिबिलिटीज़ जो हैं, जो कि आपने बताई कि ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ एज की भी एलिजिबिलिटी देखी जाती है, इसमें एज का क्या क्राइटेरिया रहता है? 21 वर्ष की आयु पूरी करते ही आप जो है वो इस एग्जाम में 21 ईयर जो है वो अपीयर हो सकते हैं, और उसके बाद 40 ईयर तक जो है वो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, 40 साल की आयु तक। और फिर अगर आप राजस्थान की गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको और रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाता है, 5 साल, आप 45 साल तक भी जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अनुसूचित जाति जनजाति, इनमें क्या रिलैक्सेशंस मिलते हैं? हाँ, इनमें भी वो 40% 40 ईयर तक वहीं उन्हीं के लिए है, 5 साल का जो इनको रिलैक्सेशन मिलता है वो SC ST OBC तीनों को मिलता है। दिलीप जी, मैं वापस फिर आपसे ये एक बार प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो प्रीलिम्स और मेंस जो एग्ज़ाम्स हैं इसमें क्या क्या पूछा जाता है? ये भी एक मिथ चलता रहता है मार्केट में कि प्रीलिम्स फैक्चुअल होता है और मेंस सब्जेक्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, तो दोनों की प्रिपरेशन अलग तरीके से होनी चाहिए, जबकि आजकल जो है वो ऐसा है नहीं। आप देखोगे कि प्रीलिम्स के अंदर भी आपके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें एनालिसिस होगा और आप उसको एनालिसिस समझ पाएंगे, तो क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में कारण या परिणाम पूछेंगे तो 4 कारण या परिणाम दे दिए तो उसमें से आपको कौन सा नहीं है, तो एनालिटिकल टाइप के सब्जेक्ट जो है प्रीलिम्स में भी आते हैं। और मुख्य परीक्षा RAs की जहाँ तक प्रश्न है तो यहाँ मुख्य परीक्षा में भी फैक्चुअल्स जो है वो पूछे जाते हैं, आपके 15 वर्ड्स में जो है वो क्वेश्चन जो पूछा जाता है 15 वर्ड्स में आपको आंसर देना होता है, तो सीधा सीधा फैक्ट जो पूछते हैं और वही देना होता है। फिर 50 वर्ड्स में होता है उसमें भी फैक्ट होता है, और बड़े से बड़ा जो क्वेश्चन होता है उसमें 100 वर्ड की लिमिट होती है, तो उसमें भी ज़्यादा एनालिसिस की संभावना आपके पास कम होती है, तो इसलिए वहाँ पे भी जो है वो फैक्चुअल। तो मैं ये कहूँगा कि एनालिटिकल और फैक्चुअल प्रीलिम्स में भी महत्वपूर्ण है और मेंस में भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन दोनों की प्रिपरेशन को अलग करके नहीं देख सकते। उपेंद्र जी, आपने कब स्टार्ट की थी अपनी ये जो प्रीलिम्स की जो तैयारी है उसको कैसे स्टार्ट किया था? अक्टूबर 15 में जब तैयारी शुरू की थी मैंने, तो इनिशियली ऐसा था कि सिलेबस को देखा, सबसे पहले सिलेबस को समझा, क्योंकि मुझे जो है वो सोशल स्टडीज़ का जो है बेसिक पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे पहले से पढ़े हुए बिल्कुल भी नहीं थे, तो मैंने बेसिक जो डेटाज हैं उनको कलेक्ट करना शुरू किया, NCERT बुक से तैयारी करनी शुरू की, जो भी नोट्स अवेलेबल थे मार्केट में पढ़ना शुरू किया, और धीरे धीरे जो नोट्स को ग्रैस्प किया, पहले समझा, फाउंडेशन एक जो है खुद का बनाया, और देखा कि पहले मैं इन चीज़ों को किस समय तक रिटेन कर सकता हूँ, बार बार रिवीजन पर ज़्यादा मैंने फोकस रखा, क्योंकि एक बार पढ़ता था बहुत जल्दी भूल जाया करता था, ज़्यादा समझ में भी नहीं आता था, तो एक ही चीज़ को जो है वो एक फिक्स टाइम के बाद में बार बार पढ़ने लगा, तो कुछ समय बाद चीज़ें याद रहने लगी, रिटेन रहने लगी, और
जैसे ही मुझे लगा कि हाँ अब मेरी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी है लगभग 5-6 महीने बाद, तो फिर मैंने लिखना भी शुरू किया, नोट्स बनाना शुरू कर दिए, तो मेंस में भी उससे मुझे काफ़ी मदद मिली। दिलीप जी और उपेंद्र जी, इसमें मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि वैसे कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद में मेंस के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिलता ही नहीं जी। तो इसलिए अगर आपने प्रीलिम्स से पहले ही अगर मेंस की तैयारी भी साथ में कर ली है तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमारे साथ कुछ श्रोता भी हमारे आए हुए हैं, हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं मिस डॉली जो हैं उनसे कहूँगा कि वो अपना प्रश्न यहाँ पर रखें। सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि सर बेस्ट एज कौन सी है प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करी जाए या ट्वेल्थ के बाद ही इसे स्टार्ट कर दिया जाए, बिकॉज इसका सिलेबस बहुत वाइड है और टाइम ज़्यादा लगता है, तो कब शुरू करनी चाहिए? व्हेन टू स्टार्ट, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। हाँ, ये सामान्यतया आजकल जो है जैसे जैसे प्रशासनिक सेवाओं के प्रति अवेयरनेस बढ़ रही है तो स्टूडेंट्स से ज़्यादा ये अवेयरनेस पेरेंट्स में आ रही है और पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं तैयारी करें, और नॉर्मली हमारे पास इस तरह के कॉल्स आते हैं और वो चाहते हैं कि भाई बच्चे को जो है वो 11th से ही प्रिपरेशन करवानी शुरू कर दे। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अगेन यहाँ हम थोड़ा इसको गलत समझते हैं, जो 11th 12th में आपकी जो बुक्स हैं और जो स्टडी है वही चीज़ें अगर आप ढंग से कर लो तो वही पूछा जाता है एग्जाम में आर एस के अंदर। और आर एस के अंदर हम जिसी को सजेस्ट करते हैं तो यही कहते हैं कि आप 12th तक की जो NCERT है या राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको आप अच्छे से वापस पढ़ो, और बाद में भी हम लोग भी यही पढ़ाते हैं। तो बच्चे को उस समय आर एस पे फोकस करने की बजाय उस समय उसी स्टडी पे उसकी भी इम्पोर्टेंस को समझे कि वो 11th कर रहा है 12th कर रहा है ये भी महत्वपूर्ण है, और फिर वो ग्रेजुएशन में जो पढ़ रहा है वो भी महत्वपूर्ण है, और उसी में से आगे प्रिपरेशन कोई अलग नहीं है। आरएस का जो सिलेबस है वो जो हम ग्रेजुएशन तक पढ़ते आए हैं उससे डिफरेंट नहीं है, वही चीज़ें। तो इसलिए इसकी तैयारी जो है मेरा मानना है कि आप ग्रेजुएशन में आने के बाद जो है वो करें। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ और इसमें निकल करके आती है हमारे सामने कि आपको अपना बेस, अपना फाउंडेशन पहले बनाना होगा, और बेस और फाउंडेशन बनाने के लिए 6th से 12th तक की जो NCERT की बुक्स हैं, चाहे वो जनरल साइंस की हो, जनरल स्टडीज़ की हो, इनको आप थॉरो करें, उसको आप पूरी तरह से देखें, अच्छी तरह से रिवाइज करें और फिर उसके बाद आगे बढ़ें। उपेंद्र जी, आपने जो अपनी स्टार्ट की थी उसको किस तरह से स्टार्ट किया था? प्रीलिम्स के बाद आपने मेंस की जो पढ़ाई स्टार्ट की थी वो कैसे की थी? मेरी मेंस की तैयारी स्टार्ट तो प्रीलिम्स से पहले ही हो गई थी जी। मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे बीइंग एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, और प्रीलिम्स का जैसे ही एग्ज़ाम दिया था तो मुझे लगभग जो पिछले वर्ष की जो कट ऑफ वगैरह रही थी उसके अनुसार ऐसा था कि हाँ इजीली मैं पार कर जाऊँगा। 15 दिन में ही जो है प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। उसके बाद मैंने जो भी सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स के और मेंस के कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स बनाना शुरू कर दिए अलग से शॉर्ट नोट्स, और ताकि उन्हें मैं आसानी से बाद में रिवाइज़ कर सकूँ एग्ज़ाम के समय में। और कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में नहीं आते हैं आरएएस एग्ज़ाम के और सिर्फ मेंस में ही आते हैं, उनको मैंने पहले थोड़ा कम पढ़ा था, बाद में उनके नोट्स उन पर थोड़ा ज़्यादा मैंने फोकस किया क्योंकि उनको मैंने पहले ज़्यादा पढ़ा नहीं था, उनके नोट्स अलग से बनाए, उनका रिवीजन ज़्यादा किया, प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स का रिवीजन थोड़ा कम किया, और टेस्ट सीरीज़ भी जो है मैंने ज्वाइन किया, और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से भी जो है मैं लिखता रहा और प्रैक्टिस जो मेरी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता रहा। थैंक्स अ लॉट। और अब हमारे साथ मिस्टर रेवत जो है वो जुड़े हैं। मिस्टर रेवत, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर, ग्रामीण परिवेश में पढ़ा हुआ विद्यार्थी जब आरएस की तैयारी के लिए शहरी परिवेश में आता है तो उसे मैनेज कर पाना कितना सरल व कितना कठिन होता है, तो उसे सर सही डायरेक्शन की जरूरत रहती है, तो उसके लिए वो क्या करे ताकि वो अपनी तैयारी भी कर पाए? दिलीप जी, हमने सबसे पहले यही स्टार्ट किया था कि गांव से जो बच्चा आता है वो उसके दिल में कहीं ना कहीं कुछ एक डर होता है कि क्या मैं इसको कर पाऊँगा या नहीं, इस डर को हम कैसे निकालें? सर, वैसे तो हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं और ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट आ चुका है, इंटरनेट ने शहर और गांव के बीच के फासले को मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक कम कर दिया है, इसलिए इतना ज़्यादा बड़ा ये भय है नहीं, पर फिर भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो विद्यार्थी आते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई वहाँ जाके क्या कैसे रहूँगा, रहने की व्यवस्था कैसे होगी, पढ़ाई कहाँ कोचिंग करूँ या नहीं करूँ, कैसे दोस्तों को का समूह बनाऊँ मैं जिससे कि मेरी सफलता सुनिश्चित हो सके, ये। और स्पेशली इससे भी ज़्यादा गर्ल्स के जो पेरेंट्स होते हैं
उनको काफ़ी डर रहता है कि हम गांव से हैं, बच्ची को शहर भेज रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी का क्या होगा, कैसे होगा। तो ये ऐसी खूब सारी चीज़ें हैं जो आशंकाएं रहती है, लेकिन सच ऐसा है नहीं। जो ही बच्चा आता है शहर में तो थोड़े दिन में उसे दिखता है कि जैसे कि गर्ल्स के लिए मैं, जैसे स्पेशली मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप अपनी बच्चियों पर भरोसा करें और आप उन्हें भेज सकते हैं। और यहाँ जयपुर के अंदर पेइंग गेस्ट फैसिलिटीज़ जो है वो खूब बहुत अच्छी है, और आपकी बच्ची जितनी घर में सुरक्षित है वो पीजी में रहती है वहाँ पे भी उतनी ही सुरक्षित है, क्योंकि वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही अपने बच्चों की तरह ही तैयारी कैसे करें वो उसमें, इसलिए वो एक तो रहने की ये है, और उसके बाद जो है वो जो ही यहाँ आते हैं तो सबसे पहले वो कैसे दोस्त बनाते हैं निर्भर इस पे करता है कि जैसी संगति होगी उसकी, तो वो कम से कम वहाँ आकर ऐसे पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है उनसे वो संपर्क बनाए और उनके साथ रहे, घुले मिले और उनसे जैसे भी कोऑर्डिनेशन से एक दूसरे से सीख के और वो कर सकता है। उपेंद्र जी, अभी अब जब बात कर रहे थे तो उसमें आपने कहा था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी ने सोशल स्टडीज़ जो पढ़ी हुई हो, जनरल स्टडीज़ पढ़ी हुई हो तभी वो उसको कर सकता है। क्या साइंस और कॉमर्स का विद्यार्थी जो है वो भी इसमें आगे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है सर, इसमें बैकग्राउंड का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। अगर आपने 11 12 तक, मान लीजिए 12 तक साइंस ग्रेजुएट रहे हैं, आपने BSc किया है और उसके बाद में आप RAS के लिए तैयारी करते हैं, शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको मेहनत करनी आनी चाहिए। अगर आप में ललक है, जिजीविषा है, आप कर सकते हैं, आप ये सोचते हैं, आत्मविश्वास आपका अच्छा है, तो आप निश्चित तौर पर करेंगे। सामान्यतः ये देखा जाता है कि कॉमर्स के जो बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं उनको ये कहा जाता है कि शायद आपके लिए ये प्रशासनिक सेवाएं नहीं है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि अगर इस समय आप सिलेबस देखेंगे RAS मेंस का तो उसमें कॉमर्स का जितना डेटा है, जितना बैलेंस रखा गया है सिलेबस में, उतना ही साइंस का है। ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स का है टोटली, उसे साइंस के स्टूडेंट्स, आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, उन्होंने पहले उसके बारे में कभी सुना भी नहीं होता, बट स्टिल वो उसे सीखते हैं, ग्रैस्प करते हैं और उसमें अच्छा भी परफॉर्म करते हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर RAS RPS बन सकते हैं। मिस्टर जितेंद्र, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, आफ्टर द चेंज ऑफ सिलेबस ये कन्फ्यूजन आया है कि आप जो फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट्स में तो वो है कि 20 वर्ड्स के अंदर फैक्चुअल चलेंगे क्वेश्चन, लेकिन जो लॉन्ग आंसर्स हैं जैसे 100 वर्ड्स या ऐसे हो गया, उसके अंदर जैसे आप क्वेश्चन को आंसर को डाइवर्सिफाइड करना चाह रहे हो या उसमें आप नवाचार, कोई इनोवेशन खुद का लाना चाह रहे हो, तो जैसे वर्ड लिमिट्स आ गए इसमें, तो उस वर्ड लिमिट्स में अपन इतनी सारी डाइवर्सिटी को कैसे कंसाइज करके उसमें एक शॉर्ट में लिख सकें, क्योंकि वर्ड लिमिट्स एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इसका। दिलीप जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्टार्टिंग में जो प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और फिर मेंस जो है उसमें सब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर्स, लेंथी आंसर्स और ऐसे टाइप आंसर्स हैं। तो जितेंद्र जी भी यही पूछना चाह रहे हैं कि उसमें कैसे उस सामंजस्यता रखी जाए जिससे कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। इसके लिए आपको एक तो रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी, लिखने की प्रैक्टिस आपको जो है बहुत ज़्यादा करनी होगी। लिखने की प्रैक्टिस से आपकी भाषा पर कमांड बनेगी और फिर आप जो है वो एक बड़े लंबे सेंटेंस को बहुत छोटा कॉम्पैक्ट करने की आर्ट जो है वो केवल अभ्यास से आ सकती है। ये कोई किसी को बता नहीं सकता कि भाई ये ऐसे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा खूब लिखें और एवरेज रोज़ाना जो है आप कम से कम 2 घंटे बैठ के जो है लिखें, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप इफ़ेक्टिव जो शब्दावली है इसका जो है वो प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि भाई आपकी एक ही शब्द में बहुत सारी चीज़ें उसमें समाहित हो जाए। तीसरा मैं कहूँगा कि इसमें आजकल RAS में जो है इसमें भूमिका लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा जो क्वेश्चन पूछा गया है टू द पॉइंट आपको आंसर शुरू करना है और शुरुआत में ही आपको अपना पूरा कंक्लूजन जो है वो उसमें निकाल के दे देना है, ताकि एग्जामिनर चेक करे तो शुरू में ही समझ जाए कि भाई हाँ, इसे सही आंसर जो है वो आ रहा है। सो फ्रेंड्स, वापस एक चीज़ और अच्छी यहाँ पर पता चली है कि शब्दों का चयन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है। जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं या वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस होते हैं, उसमें शब्द जो है वो बहुत अधिक भूमिका निभाते हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि जो लेंथी आंसर्स हैं, जिसके लिए ये कहा जाता था कि पहले अगर आप किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट विद कर रहे हैं तो पहले उसके एक पेज में उसकी भूमिका लिखें और फिर एक पेज में जाकर के उसका अंत करें और बीच में उसको प्रिसाइज कर दें, ऐसा नहीं है। अब आपको टू द पॉइंट आंसर ही अपना देना होगा।
सर एक और हमारे से हमारे जो श्रोता हैं वो गुंजर मिस्टर कुलदीप जो हैं वो जुड़ना चाह रहे हैं। सर आर एस की तैयारी करते से सामाजिक परिवेश से कितना दूर रहें, कितना टाइम फैमिली को दें या कितना टाइम पढ़ाई को दें, क्योंकि एक लंबी प्रोसेस है तो पता नहीं चलता कि हाँ इतना टाइम इस चीज़ के लिए इतना टाइम इस चीज़ के लिए। क्या ऐसा होता है ये कि आपकी फैमिली और आपके पढ़ाई के बीच में कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं? सर मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता कि अगर फैमिली आप तैयारी कर रहे हैं तो फैमिली बिल्कुल आपके सपोर्ट में है, परिवार आपका साथ दे रहा है, आप तैयारी कर पा रहे हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं, यदि कोई ऐसा सेरेमनीज हैं जिनमें आप यदि नहीं जाएं तो भी चल जाएगा, काम आसानी से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप जाएं ही जाएं वहाँ, तो आप ऐसे टास्क को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, उस समय को आप अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि घर से दूरी बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो ऐसा कहा गया कि एक गृह त्याग जो है वो एक अच्छे विद्यार्थी का गुण है, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वर्ण निंद्रा अल्पाहारी गृह त्यागम, तो गृह त्याग एक अच्छा गुण है अच्छे विद्यार्थी का, उसे आप अपना सकते हैं निश्चित तौर पर, वो आपकी सफल उस पीरियड के लिए, बिल्कुल उस समय विशेष के लिए। बाकी तो आप अपने घर वालों के साथ रहे ही रहें, आप उनकी सोशल लाइफ को भी एंजॉय करें, क्योंकि उनकी भी आपसे कुछ जो है वो आकांक्षाएं हैं, उन्हें आपको पूरा करना है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनका आप ही को जो है वो निर्वहन करना है। तो आप परिवार से दूर मैं नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उस समय विशेष में आप अपना ज़्यादा ध्यान सामाजिक दायित्वों की तरफ, जिम्मेदारियों की तरफ ना देकर आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दें। जही आपके रिजल्ट, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि आपके परिवार से ज़्यादा खुश कोई भी नहीं होगा, वे लोग सबसे ज़्यादा खुश होंगे उस समय। सो फ्रेंड्स, बैलेंसिंग जो है वो बहुत रिक्वायर्ड है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 2400 घंटे पढ़ते रहें या हम बिल्कुल सोशल अपने जो कस्टम्स हैं, सोशल रिलेशंस जो हैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से हटा दें, ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। वी हैव टू स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर। हमारी जो साथ में है पूजा चौधरी, वो भी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो हम लोग तैयारी करते हैं उसके अंदर ग्रुप डिस्कशन का कितना रोल है, किन चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए और उसको कितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि कई बार वो मैनेज नहीं हो पाता है, आप ज़्यादा डिस्कशन में लगते हो फिर टाइम भी मैनेज नहीं होता है और वो चीज़ें थोड़ी लाइन से हट जाती हैं, तो कितना टाइम दें और किन चीज़ों को डिस्कस करें? जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं उस समय डिस्कशंस की बात है? यस सर, सिलेबस ओरिएंटेड। सर दिलीप जी बताएं। हाँ, ग्रुप डिस्कशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है पढ़ाई करने का, लेकिन इसमें एक दिक्कत रहती है कि जो ही आप ग्रुप डिस्कशन बैठते तो हैं पढ़ने के लिए, स्टडी डिस्कस करने के लिए, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि कब आप पॉलिटिक्स को डिस्कस करने लग जाते हैं, कब क्रिकेट को डिस्कस करने लग जाते हैं, कब मूवीज़ को डिस्कस करने लग जाते हैं, और जिस मेन ऑब्जेक्टिव के लिए आप बैठे थे डिस्कशन, और पता चलता है कि आपने ज़्यादातर टाइम जो है दूसरा। तो इसलिए ये ग्रुप डिस्कशन की सलाह मैं केवल उन विद्यार्थियों को दूंगा जो अपने ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रख सकते हैं, वो अपने गोल के प्रति पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट हैं और उनका ध्यान डाइवर्ट नहीं हो रहा है, तो आप जो है निश्चित रूप से ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि पढ़ी हुई बात की बजाय चर्चा की हुई बात बहुत अच्छे न केवल याद रहती है लंबे समय तक, बल्कि वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो ग्रुप डिस्कशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है स्टडी को आगे ले जाने का, और इससे आपको दूसरे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और वो चीज़ों को किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, आपको उनके व्यूज़ जो हैं वो भी पता चलते हैं। आजकल स्टूडेंट्स के एक और दिमाग में वो बात आती है कि फ़ोन कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है उससे हम पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये थोड़ा ऐसा प्रैक्टिकली मैंने कहीं देखा नहीं है कि जो सफल हुआ हो और अच्छे से स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। उपेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर मैं बिल्कुल सर की इस बात से सहमत हूँ कि अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फ़ोन पर पढ़ाई की बात करते हैं तो ये इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है विद्यार्थी को। इवन मैं तो यहाँ तक सजेस्ट करूँगा कि तैयारी के दिनों में एक विद्यार्थी को सोशल मीडिया से भी दूरी बनानी चाहिए। वो ऑनलाइन डेटा यूज़ कर सकता है पढ़ाई के लिए, पर फेसबुक, ट्विटर, हैंगआउट, इंस्टाग्राम ऐसे जो सोशल मीडिया है इनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि इनमें पढ़ाई के लिए आपको कुछ अच्छा नहीं मिल पाता है। आपने जैसे पढ़ लिया है उसके बाद जैसा सर ने बताया कि आप बैठकर अगर चार दोस्त अच्छे हैं, पूर्ण नियंत्रण अपने आप पर रखते हैं और अच्छा डेटा आपस में शेयर कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स का, तो एक दूसरे को समझाने के लिए आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं अगर आप लीक से हटकर बात करेंगे तो वो सिर्फ टाइम वेस्टेज होगा। फ्रेंड्स बात बिल्कुल सही है कि गैजेट्स जो कि हमारी हेल्प के लिए बने थे वो हमें रूल कर रहे हैं, दैट्स वेरी ट्रू। और ये देखा जा रहा है आजकल बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को भी लेकर के आ रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते समय अपना मोबाइल अपने पास रखते हैं और ये कहते हैं कि हम आपस में बात करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन होता उल्टा है।
तो इसको आप ध्यान में रखें। और आर एस की पढ़ाई है या जितनी भी इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो पढ़ाई है, उस समय अपने आप को नियंत्रित जितना रख सकेंगे उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं क्या नाम है, उपेंद्र जी की जो बात है उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अभी दो दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया है और उसमें जयपुर से ही कनिष्क ने टॉप किया है, तो मैंने उसका इंटरव्यू कहीं पढ़ा था, तो उसने यही बात कही थी कि उसने सोशल मीडिया से वो बिल्कुल ही जो है वो कट होके रहा था। तो ये वाकई सच है कि सोशल मीडिया इस समय स्टूडेंट्स की पढ़ाई में बहुत बड़ा बैरियर जो है वो बन रहा है। एक और पूजा हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं। पूजा बताएं आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन स्टडी मटेरियल कितना यूजफुल है, एक और इससे डिस्ट्रैक्शन भी होता है और दूसरी और ये हेल्पफुल भी होता है, तो इनके बीच में बेहतर समायोजन किस प्रकार किया जाए? वेरी वेल, ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन जो डेटा है वो हेल्पफुल है निश्चित तौर पर पहले आप ये देख लें कि एग्ज़ाम का जो सिलेबस है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। ऑनलाइन डेटा स्टैटिक जो डेटा होता है, जो आप ऑलरेडी बुक्स में पढ़ रहे हैं, नोट्स में पढ़ रहे हैं, उसमें आपको ऑनलाइन डेटा बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध नहीं होगा। और अगर आप करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो उसमें ऑनलाइन डेटा काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आप अगर कोई ऐसे टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो करंट रिलेटेड है, करंट इश्यूज से रिलेटेड है, उसमें आप ऑनलाइन डेटा को रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ से आप डेटा लें और उनके अपने नोट्स बना लें। ऐसा नहीं कि आप उस डेटा पर पूर्णतः निर्भर रहें, उसके नोट्स बना लें और जितना डिमांड है सब्जेक्ट की, जितना डिमांड है पेपर की, उतना नोट्स बनाकर उन नोट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। दिलीप जी, मेंस में अगर हम आते हैं तो मेंस में चार आपने प्रश्न पत्र बताए, उनके मार्क्स कितने कितने होते हैं और टाइम में उसमें कितना दिया जाता है, और सिलेबस वाइज शॉर्ट में हम उसको डिस्कस करना चाहेंगे। इसमें मेंस में पहले प्रीलिम्स होता है, मैं प्रीलिम्स से बता दूं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पहले स्टेज में प्रीलिम्स होता है जिसमें 150 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं और 200 मार्क्स का होता है ये, जिसमें सभी जो जनरल स्टडी के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंस है, ज्योग्राफी है, और इसके साथ साथ इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। मैथमेटिक्स और रीजनिंग केवल प्रीलिम्स में ही है, ये मेंस में नहीं अब हटा दिया गया है, बीच में इसको रखा था। राजस्थान की जो जीके और जीएस है वो किस में कितने कारगर रहती है? राजस्थान को करीब 30-40% वेटेज जो है प्रीलिम्स में मिलता है जी। आपके 150 में से आपके करीब 50+ क्वेश्चंस जो है वो राजस्थान के भी आते हैं। हाँ, तो ये, और इसमें आपको जो प्रीलिम्स क्लियर करना होता है तो इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत कम रहती है। 150 में से अगर आपके 60 क्वेश्चंस भी सही है तो आपका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो जाता है। इसमें तो, सब्जेक्ट की जो बुक्स हैं उनको छोड़ करके बाकी और कौन कौन सी चीज़ों को एक विद्यार्थी को देखना चाहिए? जी, प्रीलिम्स में जनरल स्टडी के लिए, सॉरी करंट अफेयर्स के लिए जो है स्टूडेंट को जो करंट मैगजीन्स हैं इनको फॉलो करना होता है। अदरवाइज जो सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, उनको तो सब्जेक्ट जो जो बुक्स हैं टेक्स्ट बुक्स उन्हीं से कंप्लीट करना, करंट अफेयर्स के लिए आपको हाँ कॉन्टेक्ट करना चाहिए जी। उसके पश्चात जो मेंस, उसके बाद फिर जब अपन मेंस पे आते हैं तो मेंस में 4 पेपर्स होते हैं, चार क्वेश्चन पेपर होते हैं, जिसमें एक जो फोर्थ पेपर है वो लैंग्वेजेस का होता है, हिंदी और इंग्लिश का लास्ट फोर्थ पेपर, बाकी 3 पेपर जनरल स्टडी के होते हैं, और चारों ही पेपर जो है ईच क्वेश्चन पेपर कैरी 200 मार्क्स। ओके, तो हर एक क्वेश्चन पेपर 200 नंबर का होता है, तो टोटल ये 800 नंबर का एग्जाम होता है मुख्य परीक्षा जी। और तो जिसमें पहला जो पेपर है उसमें हिस्ट्री है आपके, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, ठीक है, और मैनेजमेंट का थोड़ा सा हिस्सा इसमें दिया गया है। दूसरा अगर क्वेश्चन पेपर आप लें तो उसमें ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है तथा एथिक्स है, तो ये 3 महत्वपूर्ण है और तीनों में लगभग बराबर क्वेश्चन जो है वो बांटे हुए हैं, 65-70 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट जो है आता है। हमारी एक स्टूडेंट की और क्वेरी है, उसको हम बात करते हैं, फिर वापस आपसे इसी पर कंटिन्यू करेंगे। मिस्टर सुरेश विश्नोई। यस सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी मेंस में 2-2.5 महीने का टाइम बचा है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए और मेंस में अच्छी स्कोरिंग के लिए किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए या फिर अच्छी स्कोरिंग किन सब्जेक्ट को पढ़ के की जाए? देखिए, जो जीएस पेपर 1, 2, 3 हैं ये थोड़ा डायनेमिक डेटा भी रखते हैं, पेपर 4 जो है प्योरली स्टैटिक है, लैंग्वेज का पेपर है हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी और इंग्लिश में जो है वो ग्रामर को आप अच्छे से पढ़ लें, जितना ज़्यादा रिविज़न ग्रामर का कर सकें उतना ज़्यादा कर लें। आप जो है वो ऑलमोस्ट अल्टरनेट डेज पर एक ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे के लिए अच्छे कोटेशंस जो हैं आप कलेक्ट कर सकते हैं। पेपर 4 में आप टारगेट करें जितना मैक्सिमाइज कर सकें मार्क्स को उतना बेहतर रहता है।
पेपर 1, 2, 3 में मैं बात करूँगा पेपर फर्स्ट के थर्ड यूनिट की और पेपर थर्ड के थर्ड यूनिट की, जहाँ 20-20 मार्क्स के तीन छोटे छोटे यूनिट्स हैं। पेपर फर्स्ट का थर्ड यूनिट है उसमें 20 मार्क्स के तीन है 60 मार्क्स, और पेपर थर्ड के थर्ड यूनिट में 20 मार्क्स ईच के तीन यूनिट्स हैं 60 मार्क्स। ये 120 मार्क्स जो हैं इनमें आप इजीली अराउंड 70 to 80 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिविज़न की ज़्यादा ज़रूरत होगी। और बड़े अगर मैं पोर्शन की बात करूँ तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनके आप शॉर्ट नोट्स बना लें, और शॉर्ट नोट्स आप ऐसे रखें कि आप सिर्फ बुलेट्स रखें, हेडलाइंस लिखें, उसके बारे में ज़्यादा डेटा ना रखें। आप जैसे ही 10-15 दिन गुजरते हैं एक बार उन नोट्स को देखें, शॉर्ट नोट्स को, और उन्हें रिवाइज करें, रिकॉल करें अपने मन में कि क्या क्या इनसे रिलेटेड पॉइंट्स थे। आपको यदि ये लगता है कि कुछ पॉइंट्स आप भूल रहे हैं तो जो भी आपका सोर्स था जहाँ से आपने पहले कलेक्ट किया था उसे रेफ़र करें, फिर से उन चीज़ों को रिवाइज़ करें। जो चीज़ आप भूल रहे थे उसे आप उन शॉर्ट पॉइंट्स में जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करने से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप जितना ज़्यादा लिख सकते हैं क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे आप जो है वो ऐसा फिक्स कर लें कि 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के जो है 5 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस, ऐसा आप रोज़ यदि लिखते हैं तो उससे भी काफ़ी आपको मदद मिलेगी। उपेंद्र जी, क्या इस समय कोई नया टॉपिक जो आपने अभी तक टच नहीं किया था उसको लेना चाहिए या नहीं? मैं ऐसा मानता हूँ, मेरी नज़र में ऐसा है कि अगर कोई टॉपिक ऐसा था जिसको आपने बिल्कुल भी अभी तक नहीं छुआ है जी, तो लगभग 75 days 75 दिन अभी बचे हैं, तो आप एक बार उसको सतही तौर पर देख सकते हैं। क्योंकि इस एग्ज़ाम में ऐसा होता है, ऐसा देखने को मिला है कि जो रिजल्ट्स बताते हैं कि अगर आपको जो आता है, जो अच्छा आता है, जिस सेक्शन में आप बहुत अच्छे हैं, आप उसको इस लेवल पर ले जाइए, उसकी तैयारी इतनी अच्छी कर लीजिए कि वहाँ आपको कोई बीट ना कर सके, आप वहाँ अपने मार्क्स बहुत अच्छे ला सकते हैं। जो सब्जेक्ट ऐसा आपने छुआ ही नहीं, अभी तक पढ़ा नहीं है, या आप मानते हैं कि ये आपको थोड़ा कम आता है जी, आप उसमें इतनी तैयारी कर लें कि आप एवरेज मार्क्स स्कोर कर सकें, मिनिमम मार्क्स तो ला सकें। अगर आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया है तो आप वहाँ अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो सतही तौर पर आप उसे एक बार ज़रूर देख लें। सो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्ट्रेटजी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड। आप जहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे हैं उसको भी देखें, लेकिन जहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग हैं उसको और स्ट्रेंथन करना भी आपके लिए सही रहेगा। उपेंद्र जी, एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा। यहाँ पर आपने अपने वो पहले जब हम बात कर रहे थे तो उसमें रिवीजन का जिक्र किया था, रिवीजन कितनी बार होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? ये हर स्टूडेंट का अपना पर्सपेक्टिव है कि उसे कितना याद रहता है, कितना वो रिटेन कर पा रहा है स्टूडेंट। पर ऐसा मेरा मानना है कि कम से कम जो सिलेबस है उसे आप 3 से 4 बार एटलीस्ट इतना तो आप ज़रूर पढ़ लें जी, ये आपको काफ़ी मदद देगा। इससे ज़्यादा आप पढ़ सकें अच्छी बात है, लेकिन इतना तो कम से कम आप ज़रूर करें। और मॉक टेस्ट्स की कहाँ तक इसमें अहमियत है? मैं तो मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि राइटिंग स्किल, जैसा सर ने बताया कि राइटिंग स्किल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआत जो है किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत जो है वो आपके आंसर के बारे में डिपेक्ट करती है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं एग्जामिनर को। तो टेस्ट सीरीज का काफ़ी महत्व है सर। श्रुति, शुद्धि, सर मेरा क्वेश्चन ये होगा कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन और मेंस की प्रिपरेशन साथ में करनी चाहिए कि अलग अलग, क्योंकि सर टाइम लिमिटेड होता है और सिलेबस ज़्यादा, तो टाइम मैनेज कैसे करें उस चीज़ के लिए हम? इसका आंसर सर ऑलरेडी पहले भी दे चुके हैं वैसे, कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग से नहीं होती है और मेंस की ऐसी कोई स्पेसिफिक अलग तैयारी नहीं है, एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में शुरुआत में जो आप डेटा पढ़ रहे होते हैं प्रीलिम्स में भी वही आता है और मेंस में भी वही आता है। इसका सर ने बहुत अच्छे से बताया था अगर आपने ध्यान दिया तो, कि एनालिटिकल और जो फैक्चुअल डेटा है उन दोनों का एक इंटीग्रेटेड फॉर्म मेंस में काम आता है, एनालिटिकल और जो फैक्चुअल है वो दोनों प्रीलिम्स में भी काम आते हैं। डिफरेंस बीइंग कि प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है और जो मेंस है वो सब्जेक्टिव टाइप है, उसमें कोई ज़्यादा अलग से तैयारी नहीं होती है, दोनों का एक साथ तैयारी की जानी चाहिए। क्या नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है? जी, प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग रहती है कि आपके अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 मार्क्स जो है वो कटते हैं, वो कट जाता है। हाँ, तो इसमें गैस जो है वो कहाँ तक कारगर होता है, क्योंकि 4 जो ऑप्शंस हैं आपके पास उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम ये जज नहीं कर पाते हैं कि 2 में से कौन सा राइट है, तो गैस अगर करना हो कैंडिडेट को तो उसका क्या तरीका रहे सर? मैं वैसे यहाँ ये कहना चाहूँगा कि एक नेगेटिव मार्किंग को लेके स्टूडेंट्स में बहुत बड़ा हुआ होता है जी, और स्टूडेंट बहुत डरा सहमा सा होता है, और इसलिए एग्ज़ाम हॉल में जब वो बैठा होता है तो उसके दिमाग में कौन सा क्वेश्चन करूं, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे ज़्यादा उसके दिमाग में ये चीज़ हावी होती है कि उसके नेगेटिव हो गया तो गलत हो गया तो नेगेटिव, और इस डर की वजह से वो 2-4 क्वेश्चन जो उसे आ रहे होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं।
तो मैं तो स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि आप नेगेटिव मार्किंग का होवा बिल्कुल नहीं लेके चलें। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का नियम कहता है कि आप चार क्वेश्चन जो है वो करते हैं और उनमें से अगर एक सही हो जाता है जी, तो आपको एक के तीन मार्क्स मिलेंगे और बाकी के वन थर्ड कटेंगे तो भी आप इक्वल रह जाते हैं जी। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग से इतना नुकसान होता नहीं है जितना स्टूडेंट खुद जो है वो नुकसान ले लेता है। और फिर दूसरी दफ़ा दूसरी बात ये है कि हमेशा चीज़ें एकदम से हमारे माइंड में क्लियर होती नहीं है। हमने 6 महीने पहले कोई चीज़ पढ़ी है और वही क्वेश्चन पेपर में आ गई, अब वो एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन हमारी पैसिव मेमोरी हमें कहती है कि हाँ ये मैंने पढ़ रखा है और ये सही हो सकता है। अब स्टूडेंट अगर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का होवा लेके चलेगा तो वो उसको नहीं करेगा जी। लेकिन अगर उसे है कि नहीं मुझे लग रहा है कि मैंने ये पढ़ा है तो उसे वो क्वेश्चन कर लेना चाहिए। और अगर उसे बिल्कुल ही नहीं पता है तो मैं कहूँगा कि विशुद्ध तुक्का जो है वो बिल्कुल नहीं लगाया जाना चाहिए। तो ये तो प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये हम देख सकते हैं कि ये अगर संभावित आंसर हो सकता है, मोस्ट संभावित जिसको हम कह सकते हैं, वो अगर आंसर है तो ही आप उसको क्लिक करें, अन्यथा उसको छोड़ दें। उपेंद्र जी, वापस मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इस तैयारी के दौरान आपने अपने जो डाइट का जो कुछ ख्याल रखा होगा वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या इफ्स एंड बट्स या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए? सर, एज ए कोटेशन सेज़ ए हेल्दी माइंड लाइज इन हेल्दी बॉडी, राइट। अगर आपका शरीर सही है, आप अगर स्वस्थ हैं, तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव आपकी पढ़ाई में, आपकी तैयारी में भी देखने को मिलता है। डाइट कंट्रोल ऐसा नहीं कि आप कोई बैलेंस डाइट चार्ट को फॉलो करें, बट अपना खान पान का ध्यान आप रखें। आप जो है जंक फूड ज़्यादा ना खाएं, आप टाइम लिमिट जो है अपना ध्यान में रखें कि खाने का जो समय उसे मील्स को स्किप ना करें, टाइमली जो अपना खाना खाएं, नींद पूरी लें। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स लेट नाइट स्टडी करते रहते हैं, लेट तक सोते नहीं हैं, फिर उन्हें जो है थोड़ा स्ट्रेस भी वो ले लेते हैं पढ़ाई को लेकर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना टाइम जो है मील्स टाइमली लें, नींद पूरी लें, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत ईजी टास्क है, बस एक छोटा सा रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ ऑल हार्ड वर्क। आप यदि मेहनत कर रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, तो निश्चित तौर पर सफलता आपके पास आएगी। सो फास्ट एंड कंसिस्टेंट विंस द रेस, ये एक बात बहुत अच्छी उम्मीद जी ने कही है। और उसके साथ साथ ये भी बताया है कि आपको अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। जंक फूड आप कंट्रोल ज़रूर कर लें, उनको नहीं लें, कार्बोहाइड्रेट्स आप कम लें, प्रोटीन्स थोड़ा सा कम कर लें, लेकिन विटामिंस वगैरह जो हैं, जो कच्ची सब्जियां वगैरह जो हैं, उनको ज़रूर खाएं आप। दिलीप जी, जब स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में होता है तब उसकी स्थिति अलग होती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रश्न का उत्तर जो है उनको पता है लेकिन फिर भी उस समय नहीं समझ में आता, उस समय क्या करना चाहिए? नहीं, एग्जाम हॉल में स्टूडेंट जब जाता है तो जाने से पहले उसको डर लगता है जी, लेकिन जो ही वो एग्जाम में वो आंसर राइटिंग शुरू करता है, तो ये मैं सभी स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ कि आप जब भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो ये सोचें कि पहले जो आपको डर लग रहा है एग्ज़ाम हॉल में उतना आपको डर नहीं लगेगा, आप सब भूल जाएंगे और आपके सामने सिर्फ वो क्वेश्चन होगा और आपके आंसर, और आपको ऐसा एग्ज़ाम हॉल से पहले आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपका माइंड एकदम ब्लैंक हो चुका है, आप इतने साल से जो पढ़ रहे थे सब कुछ गायब हो चुका है। लेकिन आपको वापस आश्चर्य होगा, जो ही आप आंसर लिखने बैठते हैं तब आपको अंदर से वो सारी बातें आएगी और आपको कई चीज़ें तो ऐसी आएगी जो आपको लगेगा कि ये तो मैंने इससे पहले कभी सोची नहीं थी। और एग्जाम हॉल का एग्जाम का टाइम जैसे जैसे बढ़ता है और लास्ट में तो वो बुलेट ट्रेन बन जाता है स्टूडेंट, और लास्ट के 5 मिनट के अंदर वो 200 वर्ड्स जो है वो लिख लेता है। तो इसलिए ये एग्जाम में जाने से पहले का एक वो है, डर है। क्या इसमें कुछ चयन की प्रक्रिया हो सकती है कि जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें जो लेंथी आंसर्स हैं उनको पहले लिया जाए या शॉर्ट आंसर्स को लिया जाए? जो आपको सबसे अच्छे आ रहे हैं वो सबसे पहले करें। उपेंद्र जी, आपने क्या टेक्निक अपनाई थी? मैं सर किस बात से सहमत हूँ कि जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिला है उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप शुरू में वो ज़रूर पढ़ें, नर्वस फील ना करें। आप ये ना देखें कि दूसरा जो कैंडिडेट आपके रूम में बैठा है वो कितना तेज़ लिख रहा है, कैसा लिख रहा होगा, ऐसे कोई विचार ना आने दें। आप पर पूरा अपना क्वेश्चन पेपर देख लें, शुरुआत से लिखना शुरू करें इजीली, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसे छोड़ते जाएं, जो आ रहा है उसे अच्छे से लिखते जाएं। आपको इतना टाइम मिलेगा बाद में वापस कि जो क्वेश्चन आपने छोड़े थे उनमें यदि कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, आपने कभी सुना ही नहीं उस बारे में,
तो आप उसे छोड़ सकते हैं। किसी क्वेश्चन के बारे में भी आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन है तो आप उसे उस एक्सटेंड तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई अगर आपको अच्छे से पूरा आ रहा है तो आप उसे पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आप अपना एक मैसेज जो है वो क्या देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम में, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बाद में ये अफसोस करते हैं कि उनका पेपर छूट जाता है जी। तो इसलिए स्टूडेंट को शुरू से ही जो है ये ध्यान रखना होता है कि कितना टाइम गया है और कितना पेपर उसने कंप्लीट कर दिया है। तो आप लास्ट में स्पीड बढ़ाएं, इससे अच्छा है कि आप शुरू से ही जो है स्पीड बढ़ाएं और किसी भी कीमत पे आपका कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, मस्ट है। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ जब एक बच्चा जो है वो अपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई करता है, मेंस की तरफ बढ़ता है और मेंस को क्वालिफाई करने की इच्छा लेकर के वो फिर इंटरव्यू की भी तैयारी करता है, इंटरव्यू के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इंटरव्यू की तैयारी सर मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई स्पेसिफिक अलग से कोई बहुत तैयारी नहीं होती है, क्योंकि प्रीलिम्स का डिफाइंड सिलेबस है, मेंस का डिफाइंड सिलेबस है, बट इंटरव्यू का, पर्सनैलिटी टेस्ट का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है जी। इसमें क्वेश्चंस काफ़ी रैंडम होते हैं, काफ़ी डाइवर्सिफाइड होते हैं, तो सबसे पहले तो हम अपना बैकग्राउंड जो है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हों, आप जिस जगह के रहने वाले हैं उस जगह के बारे में, आप जैसा एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड यदि कोई भी करंट अफेयर्स का डेटा है, कोई स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की उनके बारे में, आपका फैमिली बैकग्राउंड है उससे आप अच्छे से तैयार करें, आप एक हॉबी जो जनरली पूछी जाती है वहाँ इंटरव्यू में आप उसके बारे में अच्छे से तैयार कर सकते हैं। वो जनरली ऐसा है कि कई बार स्टूडेंट्स उसे लास्ट टाइम में तैयार करते हैं, तो जो भी आपकी हॉबी हो, जो आपका शौक हो, आप उसी से उसी को यदि प्रिपेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ उस समय विशेष में जो करंट अफेयर्स का डेटा है उसे आप अच्छे से पढ़ें। सिलेबस में कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है वहाँ इंटरव्यू के दौरान कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, जो भी आप एग्ज़ाम देकर आए हैं पास करके हैं उसमें आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा था, तो एक ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट है, और आप सिर्फ उसे वैसे ही ना बताएं कि ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि उसमें से कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो जो आपका सब्जेक्ट फेवरेट हो उसके बारे में आप थोड़ा अच्छे से तैयारी करके जाएं। सिलेबस के एक आउटलाइन आप थोड़ा तैयार जरूर करके जाएं। कम्युनिकेशन स्किल इसमें कहाँ तक कारगर होती है? हाँ, कम्युनिकेशन स्किल मैं ये मानता हूँ कि सर आप जो समझा रहे हैं वो बोर्ड मेंबर्स को समझ में आनी चाहिए, वो इजीली उसे समझ सकें, बस उतना पर्याप्त है। लैंग्वेज कोई मस्ट नहीं है, कोई एक बैरियर नहीं है नॉलेज में वहाँ पर। दिलीप जी, अंत में आप अपने विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे दो शब्दों में? मैं विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहें और आप ये निश्चित रूप से माने कि आपकी सफलता सुनिश्चित है। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमान की। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी और दिलीप जी आपका कि आप यहाँ पर हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे स्टूडेंट्स को आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और उनका मनोबल जो पढ़ाया। वी आर रियली थैंकफुल टू यू। सो फ्रेंड्स, आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह अगले उसमें प्रोग्राम में हम आपसे फिर एक नए संदेश के साथ और एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।